नमस्कार, कैसे आप सब लोग? उम्मीद शानदार जवाब जबरदस्त होंगे। एसएससीडी का नोटिफिकेशन आता है तो दोपहर ही आता है, फर्स्ट हाफ में आ गया था 12 बजे के आसपास। अब ये देखना है कि इसमें क्या स्पेशल है हमारे लिए, क्या हमारे कोई काम की बात हो सकती है या हम पोस्ट प्रेफरेंस में कुछ करेक्शन कर पाएंगे, क्योंकि आज पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर कुछ नोटिफिकेशन आया है और उसी को लेकर एनसीसी को लेकर कुछ चेंजेस है और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उन चीजों को लेकर कुछ चेंजेस है। टोटल 3 चेंजेस आज के कोरिजेंडम में है। बच्चों, कोरिजेंडम क्या होता है कि सुधार, कोरिजेंडम की हिंदी होती है सुधार, यानी नोटिफिकेशन में जो गलती रही है उनको हम सुधार कर रहे हैं। हो सकता है वो टाइपिंग मिस्टेक रही हो सकता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक रही हो सकता है, कोई रूल चेंज हुआ हो, उसको ही कोरिजेंडम बोलते हैं जब वो सुधार लिया जाता है। ठीक है, कोरिजेंडम आप सुधार कह सकते हैं। तो नोटिफिकेशन जो आपका आया था बच्चों, उसमें जो बातें लिखी थी उसको हम थोड़ा सा सुधार रहे हैं, ये बात आज कही गई है। और टोटल जो आज का कोरिजेंडम है वो कोरिजेंडम नंबर 3 है। कौन सा कोरिजेंडम है ये? 3। इसका मतलब इससे पहले 2 और रहे होंगे, तो पहले उन 2 की बात कर लेते हैं। 2 में क्या रहा था? ये 2 था। तो बच्चों, इस 2 में तो सिर्फ ये बताया था कि जो असम के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है ना वो ये पढ़े जाए, यानी मे बी रीड एज, यानी जो पहले, यानी इस नोटिस को जो नोटिफिकेशन में लिखा है उसको छोड़ दीजिए, उस पर अभी हावी रहेगा, यानी ये फाइनल रहेंगे। ये तो किया गया था असम वाला, यानी दूसरा कोरिजेंडम। लेकिन इससे पहले भी एक और आ गया था, तो उसे एक मैं बता देता हूँ। इसमें वैकेंसी जो बढ़ी थी, कोरिजेंडम जो बढ़ता है बेटा उसका सुधार किया था, वैकेंसी जो पढ़ रहे थे वो 23-25 हजार जो भी है वो आप 24 ना पढ़ के उनको 45,284 पढ़ना। पहला कोरिजेंडम वैकेंसी सुधार का था, दूसरा आपका असम के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट बदले गए, और तीसरा जो कोरिजेंडम है वो आज है। तो इसमें क्या है? इसमें ये बताया है पहले रूल में कि जो महिलाओं का फिजिकल होगा, प्रेग्नेंट वुमेन्स का, तो उनके लिए ये रूल में, उसमें लिखा था नोटिफिकेशन में, उनको हम क्या नहीं देने देंगे? फिजिकल नहीं देने देंगे। हर महिला से फिजिकल से पहले डिक्लेरेशन कराया जाएगा कि आप प्रेग्नेंट तो नहीं है। अगर वो नो कर देगी तो फिजिकल हो जाएगा, यस कर देगी तो उसको टेस्ट के लिए भेज दिया जाएगा और उसको एक रिपोर्ट लगानी होगी, ठीक है, पॉजिटिव की, प्रेगनेंसी की। फिर उनका फिजिकल, उनकी वैकेंसी ये बताया गया सुरक्षित रख ली जाएगी, और जब डिलीवरी या कोई भी मतलब जब मेडिकली वो फिट उनका डॉक्टर लिख के दे देगा, उसके 6 वीक्स के अंदर उसका फिजिकल करा लिया जाएगा। ये है पहला। दूसरा कोरिजेंडम है ये है बच्चों, एनसीसी के जो मार्क्स है वो सी सर्टिफिकेट के 5%, यानी मैक्सिमम मार्क्स का 5% है। तो 160×5/100, सर इसको तो हम पहले भी ऐसे ही पढ़ रहे थे, इसमें कौन सी नई बात है अभी बताऊंगा। तो अगर थोड़ा भी चेंज होता है लैंग्वेज का तो इसमें करना पड़ता है इनको कोरिजेंडम, वरना कोर्ट में यही चैलेंज हो जाता है बच्चों। और इनका जिसका 33% दे रखा है तो इसके कितने मार्क्स बनेंगे बच्चों? इसके बनेंगे 4.8 मार्क्स, यानी लगभग 5। और जिसका 2% लिख रखा है उसके बनेंगे करीब 3.2 मार्क्स। तो ये मार्क्स कब जोड़े जाएंगे एनसीसी के? आपके रिटन के मार्क्स में ही जोड़ दिए जाएंगे। सर ये पहले नहीं था क्या? तो मैं अगर आपको इसको दिखाने लगूं तो बच्चों, ये पहले जो था इसमें लिखा था, ये नोटिफिकेशन में लिख रही है बात, इन्होंने फिर चेंज क्या किया है। ये पहले नोटिफिकेशन जब आया तो इन्होंने जल्दी लिखा 5% ऑफ टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स के बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, टोटल मार्क्स जो मैं लाया हूं मेरे टोटल मार्क्स का या अब जो बोल दिया मैक्सिमम मार्क्स, तो उस लैंग्वेज को थोड़ा सा क्लियर किया है। तो ये कोरिजेंडम है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बाकी चीजें तो पहले भी वही थी, ठीक है। तो कोई खास चेंज इसको भी नहीं कह सकते। और लास्ट चेंज क्या है? लास्ट चेंज किया इन्होंने, कैंडिडेट्स हैव टू, अभी है प्रीफरेंस के ऊपर, कैंडिडेट हैव टू प्रीफरेंस फॉर द फॉलोइंग सीएपीएफएस ऑर्गेनाइजेशंस इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। कोई बच्चा अगर इसको ये सोचे कि हमारी जो प्रायोरिटी है हम उसको चेंज कर सकते हैं, अब ऐसा नहीं होगा। तो फिलिंग ऑफ ऑल 8 प्रेफरेंसेज शैल बी एसेंशियल, यानी ये कह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि जो फॉर्म में आपने चॉइस फिल की होंगी उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि 8 पोस्ट है तो आप 4 ही पोस्ट की चॉइस दे, 4 को ना दे। इसने बोला है कि 8 हो को चॉइस में भरना जरूरी है, यानी सारी पोस्ट आपकी चॉइस में होनी चाहिए, ये बोला है, वरना फिर फॉर्म को रिजेक्शन में डाल सकते हैं। तो ये कारण है। क्या सर ये पहले नहीं बोला था इन्होंने? इसमें क्या नया है बच्चों? इन्होंने गलती से पहले जो नोटिफिकेशन में बोल दिया था वो बोल दिया फिलिंग ऑफ ऑल 7 प्रेफरेंस शैल बी एसेंशियल, ये नोटिफिकेशन में बोला गया था, लेकिन इन्होंने इसको क्या बोल दिया? 7। और अब क्या बोल रहा है? 8, क्योंकि ये 8 थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इन्होंने लिख दिया 7। बस इस भूल को उन्होंने सुधारा है इस नोटिफिकेशन के थ्रू जो आ जाए, इस कोरिजेंडम के थ्रू, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। देखिए बस अब यहाँ इसको इन्होंने 8 लिख दिया है, 7 की जगह 8। तो ये कुछ भी खास नहीं है, कोई ये सोचता हो कि ये कुछ खास हो गया है, नहीं, ठीक है। आपको समझाना मेरा दायित्व था, क्योंकि बच्चे लोग आप मुझ पर भरोसा करते हो, तो मैंने आपको बातें बता दी है। और अब आपसे उम्मीद करूंगा एक काम की बात, देखिए आप जो फॉर्म भर गया उसके लिए आप चिंतित मत हो। मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने फोटो पे डेट डाल दिया तो भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, फोटो पे डेट नहीं डाली तो भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। और अगर आपका, देखिए जो फॉर्म रिजेक्ट होता है वो 3 कारण है, फॉर्म रिजेक्ट के 3 कारण, तो लो जो आप डरे हुए हो, अभी स्टेटस भी आने वाला है बहुत जल्दी, फॉर्म रिजेक्ट के 3 कारण जिनसे मुझे लगता है कि इसके अलावा कहीं भी फॉर्म रिजेक्ट होने का कोई चांस नहीं रहेगा। एक तो बच्चों मल्टीपल फॉर्म अगर आपने भर दिया है तो इसका एक कारण बनेगा, यानी आपने एक से ज्यादा फॉर्म भर दिया सेम डिटेल से। दूसरा कारण है कि फोटो आपका ब्लर हो जाए, कुछ भी रीजन रहा हो फोटो ब्लर का ही आपका लिखेंगे। और तीसरा जो रीजन है 1, 2, 3 सिग्नेचर ब्लर, साइन आपके ब्लर हो। इन 3 के अलावा आपको फॉर्म रिजेक्शन का कोई कारण नहीं मिलेगा, इसलिए डरो मत कि जी मैंने मदर के नाम की स्पेलिंग गलती होगी या फादर के नाम की स्पेलिंग गलती होगी या 10th करोल नंबर गलत भर गया, 12th करोल नंबर गलत भर गया, इन सबसे फॉर्म रिजेक्ट आपका नहीं होने वाला, ठीक है। अब इतना मेरा उस स्टेट से फॉर्म भर गया, इस स्टेट से भर गया, ये अभी का मैटर नहीं है, आप एग्जाम देने जा रहे हो खूब बढ़िया तरीके से, लेकिन ध्यान रखना कि जो आपकी इस फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ वाली आईडी एग्जाम में लेकर के जानी है। डेट ऑफ बर्थ आपकी एग्जाम आईडी में जरूर मैच करनी चाहिए, जो भी आपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाली, चाहे उसमें आधार कार्ड ले जाना चाहे पैन कार्ड, जिसमें सही डेट ऑफ बर्थ हो उसी को लेकर के जाना आईडी को, फिर आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है बच्चों, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, वरना बहुत सारे बच्चे एग्जाम नहीं दे पाते और फिर हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करते सर मेरे को एग्जाम सेंटर पर अंदर नहीं जाने दिया, बेटा सर भी उस टाइम पर आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, इसलिए बता रहा हूँ। चलो एक और बात करता हूँ बच्चों की, अब आपके लिए प्लीज इस बात को ध्यान से सुनना, ये आपके सिलेक्शन की बहुत ही कड़ी सीरीज होगी। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 26 से लेकर 31 दिसंबर। तो गाइस एसएससीडी से जुड़ी जो भी न्यूज़ पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आज स्टेट पर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जो भी एसएससीडी से जुड़ी न्यूज़ सर पर मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।